प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया था और स्वच्छ भारत अभियान के नारे के साथ साथ ही बड़े बड़े नेताओं और फिल्म हस्तियों ने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान को जम्मू कश्मीर में भाजपा के लोग भूल चुके हैं, क्योंकि आज यहां चुनावी दौर चल रहा है। रजौरी में भी म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन चल रहे हैं, जिस कारण वहां की भाजपा के लोग आज के स्वच्छ भारत अभियान के नारे को ही भूल गए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लोगों ने मिलकर राजौरी में गांधी जयंती के दिन गांधी जी के चित्र पर फूल माला अर्पित कर गांधी जी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस के लोगों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे और स्वच्छ भारत अभियान के नारे देते थे, वे आज म्युनिसिपल कमेटी के चुनावी दौर में गांधी जी को ही भूल गए हैं और उन्होंने ना हाथों में झाड़ू लिया और ना ही कोई साफ सफाई की। वहीं कांग्रेस के लोगों ने यह भी कहा कि जो लोग चुनावी दौर में गांधी जी को भूल गए हैं, वे आम जनता को भी भूल जाएंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे और सबने मिलकर गांधी जी को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता शबीर अहमद खान भी मौजूद रहे। वहीं शबीर अहमद खान और डॉक्टर अशोक शर्मा ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए बताया, एक लड़का लिख रहा है कि मैं मुझे गांधी जयंती के ऊपर कोई मुबारकबाद ना दे, मैं गोडसे का पुजारी हूँ। तो स्वच्छ अभियान का जिन्होंने ठेका ले रखा है वो आजकल चुनावी मौसम में मसरूफ हैं, उनको क्या लेना देना है गांधी से, उनको अपनी कुर्सी बचानी है, किसी न किसी तरीके से उनके कुर्सी बचनी चाहिए और उनके वोट आने चाहिए। ये गांधी बेचारे जो थे वो उनकी कुर्बानियों को कहाँ याद रखते हैं जब इनका चुनावी मौसम आता है। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।